हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और मैं आपकी दोस्त फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें एक फ्रेंड्स ने बोला था कि वेट लॉस के लिए बहुत से वीडियोस बनते हैं, आप वेट को गेन करने वाला एक वीडियो बनाइए। तो मैं वेट गेन करने के लिए कुछ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जिन लोगों का भी वेट का प्रॉब्लम है, जैसे कि उनका वेट बहुत कम है या वो बहुत वीक हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगी, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वीक होते क्यों हैं हम लोग। जैसे जिन लोगों का भी वेट कम है तो वो किस वजह से है, क्योंकि वेट लॉस के भी बहुत से रीजंस होते हैं, तो हम लोगों को वो रीज़न जानना पहले ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि वेट कई रीजन से कम हो जाता है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है कि आपका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ भी टू टाइप की होती है। डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि किसी का वज़न तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी का वज़न बहुत कम हो जाता है। भूख तो बहुत लगती है डायबिटीज़ में, लेकिन वज़न कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है और वो बहुत हल्के फुल्के से बने रहते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पेट में कोई ऐसी ख़राबी हो जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है और आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लगता है और खाने में आपका मन भी नहीं लगता है, तो कुछ इस वजह से भी आपका वेट कम हो सकता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आयरन और कैल्शियम की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो भी हम लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है आपके पतले होने का कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़, अपनी जो स्ट्रेंथ है आप उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़, और उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं। आपका उस हिसाब से जो कैलोरी मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपका वेट कम हो सकता है। तो आप लोगों को अपना वेट अगर गेन करना है तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलेटेड खाना ही खाना चाहिए ज़्यादा, इससे आप अपने वेट को बढ़ा पाएंगे। तो और एक रीज़न, सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी हो सकता है आपके दुबले पतले होने का कि अगर आप, जैसे अनुवांशिक है अगर आपका दुबला पतला बन, जैसे आपके घर में पेरेंट्स हैं वो भी बहुत एज तक पतले ही बने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप भी पतले ही रहें, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, टेंशन की वजह से और एनी प्रॉब्लम की वजह से आप पतले हैं तो आपको कुछ उपाय बताएंगे, तो आप उसको अपना के आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अपना वेट गेन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूध से बने प्रोडक्ट ज़्यादा खाने चाहिए। जिन लोगों का वेट कम है और जो लोग अपने वेट को गेन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को दूध, दही, पनीर, इस टाइप की चीज़ अपने खाने में ज़रूर रखना चाहिए। और जो हम लोग 3 मील्स लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता लेते हैं, दिन का खाना लेते हैं और फिर शाम को खाते हैं, तो उन सब में हम लोगों को दूध से बनी चीज़ें, दही, पनीर, ये सब लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो इनके बीच में, इस 3 मील्स के बीच में जो गैप होता है, उसमें अगर आपको भूख लगती है तो आप कैल्शियम और प्रोटीन वाली चीज़ें बीच में खा सकते हैं। जैसे आप मखाने तल के रख सकते हैं, मखाने में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होता है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा और जो प्रोटीन है वो आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखेगा, मांसपेशियों को बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जो मांस होता है वो प्रोटीन से ही बढ़ता है, तो इसलिए आपको प्रोटीन वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप अंडा, मांस, मछली ये सब खा सकते हैं तो आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, उसके बीच वाले पार्ट को आप जितना सेवन करेंगे तो आपका वेट गेन होगा। तो आप अपने नाश्ते में एग ले सकते हैं। और इसके अलावा सैलेड, जो अपने खाने में आप सैलेड को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उतना ही आपको
हर चीज़ उसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं कच्चे सलाद में, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और है कि आप जब भी खाना खाने चलें तो खाने से पहले पानी बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि अगर आपने खाने से पहले पानी पी लिया तो आप खाना फिर ठीक से नहीं खा पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पिएं, खाना खाने के बाद भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में थोड़ा ही पानी पिए आप, खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप पानी पी सकते हैं। और जब भी आपको खाने के बीच में अगर भूख लगती है तो आप कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में हो। और इसके अलावा आप अगर मिल्क पीते हैं तो आप मिल्क में बनाना डाल के पी सकते हैं, आई मीन आप केले का मिक्सी में केले को पीस के और मिल्क उसमें घुमा के तब आप मिल्क शेक की तरह बना के बनाना शेक पी सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी आपका वेट गेन होता है। और अगर मैंगो का सीज़न है तो आप अपने मिल्क में मैंगो भी डाल के पी सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ें खाएंगे उतनी जल्दी आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा आप एक अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों के लिए नहीं बना है, एक्सरसाइज को पतले लोग भी कर सकते हैं, इससे उन लोगों का जो बॉडी का जो भी सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। और आप अगर जिम के शौकीन हैं तो आप जिम भी ज्वाइन करिए, जिम ज्वाइन करने से भी आपकी बॉडी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा है कि आप स्ट्रेस ना लें ज़्यादा, जो ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेते हैं और जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनका वेट लॉस होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप अपना कर आप अपने वेट को गेन कर सकते हैं। और अच्छी डाइट लें, जितनी अच्छी डाइट आप लेंगे अपने लिए उतना ही आपका वेट गेन होगा। और इन सब के अलावा बिल्कुल टेंशन तो बिल्कुल ना लें, टेंशन भी हमारे बॉडी को बहुत वीक कर देती है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको भूख नहीं लगती है, एक क्वेश्चन ये भी होता है लोगों के पास कि हमें भूख ही नहीं लगती है तो हम खाएंगे क्या, तो उसके लिए एक उपाय है कि आप भूख लगने वाले टॉनिक ले सकते हैं जिससे आपको बार बार भूख लगेगी और आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। तो जब खाना खा पाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका वेट भी बढ़ जाएगा। और आप जो छोटे से कटोरी में छोटे से प्लेट में अगर खाना खाते हैं तो उसको सजा के बढ़िया से प्लेट में खाना खाइए, आपकी इच्छा होगी खाना खाने की तो आपको ऑटोमेटिक भूख लगेगी, तो आप खाना शरीर में जाएगा तो ऑटोमेटिक बॉडी को फ़ायदा करेगा और वेट गेन करेगा आपका। और मैं भी पहले अपने टाइम में आई मीन 16-17 ईयर्स की एज होगी तो मैं भी बहुत पतली थी और मुझे भी लोगों की बहुत बातें सुनने को मिलती थी कि जैसे जैसे खाना नहीं मिलता है, और कुछ लोगों ने मेरे नाम भी रख दिए थे कि छिपकली है, आंधी आएगी तोड़ जाएगी कुछ इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट उस टाइम मुझे नहीं इतनी जानकारी नहीं थी कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, तो फिर इसके बाद जब मैं बड़ी हुई समझदार हुई तो पेट भर के खाना खाने लगी और जितनी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें वो सब मैंने खुद भी खाया अच्छे से पेट भर के, तो अब मैं थोड़ी सी ठीक ठाक हूँ तो ओके बाय बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।